ये उस गायक का मति भ्रष्ट है कि वो बेवकूफ है कि क्या है कि उसने इस तरीके से काम किया। क्या इस गाने से तनाव की स्थिति नहीं पैदा हो सकती थी? वही बात तो कह रहा, नेता के बारे में कुछ बोला गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी गलती कर। आप उनको गलत भी नहीं कह रहे हैं और एक बार बोल रहे हैं कि नहीं प्रमोद प्रेमी ने माफी मांग लिया, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये भी अपने गानों को प्राइवेट करें? पूजा करते हैं, अब मैं डायरेक्ट आके आपके भगवान को गाली दे दूं या कुछ बोल दूं तो आप तुरंत। और हमारे साथ एक युवा समाज सेवी आदित्य कुशवाहा जी हैं, एक बार फिर से हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय चर्चा का विषय बहुत तेजी से बना हुआ है, क्योंकि जो फागुन का महीना है और इस समय जो है एक होली का गीत वायरल हुआ है, एक प्रमोद प्रेमी यादव जो बिहार के हैं उन्होंने गाना गाया है, लेकिन ये तो भोजपुरी में होता रहा है, तमाम उन महिलाओं के ऊपर, उन कपड़ों, महिलाओं के उन कपड़ों के ऊपर, उनके अंगों के ऊपर लगा लगा के गाने गाए जाते हैं, लेकिन अब जो है वो राजनीति में घुस चुका है। राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग हैं उन पे उनका नाम लेकर अश्लील भाषाओं का प्रयोग करके गाने गाए गए हैं होली को लेकर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि ये जो गीतें जो है अब तो भोजपुरी में आप जान रहे हैं कि तमाम उन महिलाओं के अंगों और उनके कपड़ों को लेकर गाया जाता रहा है, लेकिन अब जो है ये राजनीति में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको कुछ लोग मानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, राजनीति के दिग्गज कहे जाते हैं, उनके ऊपर गाना गा देना, ये कहाँ तक सही? सबसे पहले तो दुर्भाग्य ये है कि भोजपुरी को इतने निचले स्तर पर लाके गायकों ने और सिंगरों ने रख दिया है कि हम आज अश्लीलता पे उतर आए हैं कि दूसरों की बहन बेटियों पे गाना गा रहे हैं। और जिस गाने की आप चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों को तो सचमुच बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताइए जो समाज एक समुदाय का संचालन करते हैं, उनके नेता हैं, वैसे महान महान लोगों पर आप कटाक्ष कर रहे हैं, उनको लेके भद्दी भद्दी गाने बना रहे हैं, होली का गाना बना रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है? लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोगों का नाम उस गाने में मैं सुना और मुझे तो बड़ा आश्चर्य और दुर्भाग्यपूर्ण लगा ये कि बताइए उस गायक का मति भ्रष्ट है कि वो बेवकूफ़ है कि क्या है कि उसने इस तरीके से काम किया। उसने अपने दूसरों को तो छोड़िए, अपने समाज के नेताओं को उसने नहीं छोड़ा जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी से आप उसके दिमाग का पता लगा सकते हैं कि उसके पास कितनी बुद्धि है कि समाज के वरिष्ठ लोगों का नाम आप अश्लील गानों में ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो मेरे हिसाब से गलत है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, और भाई अगर लड़कपन में कर गया है, बच्चा है, माफी मांगता है तो एक बार क्षमा कर देना चाहिए। नहीं तो उन्होंने माफी भी मांग लिया है और उस गाने को अपने चैनल पे प्राइवेट भी कर दिया है। प्राइवेट कर दिया है तो एक लिखित एप्लीकेशन जारी कर दें कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर पहली गलती है, बच्चा है अगर, तो माफ कर देना चाहिए। अभी जो है मिशन सिंगर रविराज बौद्ध हैं, उन्होंने भी डायरेक्ट टारगेट कर दिया है उसी प्रमोद प्रेमी के बहन को लेकर एक गीत गा दिया है होली की, तो ये कहाँ तक सही? देखिए इसके दो पक्ष हैं, दो पहलू। हम किसी भी पक्ष को पूर्ण रूप से गलत कह दें और किसी पक्ष को पूर्ण रूप से सही कह दें तो ये समझदार व्यक्ति का निशानी नहीं है। देखिए अगर हम जिसको मानते हैं भगवान, बात समझिए, जिसके विचारधाराओं को मानते हैं, जिसके रीति नीतियों को मानते हैं, आज वर्तमान समय में बहुजन समाज की एक सशक्त महिला है बहन जी, जिसको लोग पूछते हैं, जिनको लोग पूछते हैं, मानते हैं, और उनके भगवान के बारे में अगर कोई बोल देगा तो यहाँ ठेस पहुँचेगी, जब तो लोग जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। वही हमें लगता है कि हमारे सिंगर के साथ हुआ कि जब उनके महान नेता के बारे में कुछ बोला गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी गलती कर बैठे। लेकिन मतलब आपको लगता है कि रविराज बौद्ध ने गलती की? गलती कहने का मतलब मेरी बातों को नहीं समझा, मैंने बोला कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पूर्ण रूप से गलत नहीं। जैसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो हम भावनाओं में आकर कभी कभी गलती कर बैठते हैं। लेकिन गलत किया है तो क्यों नहीं आप कहते कि नहीं गलत किया? थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि अगर कोई गलत करता है, अगर कोई थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा है अबद्धगी कोई करता है, बात समझिए, तो ये जरूरी नहीं कि मैं भी किसी की बहन बेटियों को टारगेट करूं, ये बहुजन समाज के संस्कार को शोभा नहीं देता, तो यानी गलत है।
क्योंकि महिलाओं के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने ऐसा अश्लील किया है, कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। लेकिन उनकी भावनाओं को भी आपको समझना चाहिए, जैसा मैंने बोला है आप ही हैं, अगर किसी की पूजा करते हैं और मैं डायरेक्ट आके आपके भगवान को गाली दे दूं या कुछ बोल दूं तो आप तुरंत पलट के वार करेंगे, भले ही बाद में आपको अफसोस हो कि हो सकता हो मैंने गलती किया है, लेकिन आप पलट के तुरंत हमको वार करेंगे, ये ह्यूमन नेचर। देखिए एक ऐसा बात हुई कि आप उनको गलत भी नहीं कह रहे हैं और एक बार बोल रहे हैं कि नहीं, भावनाओं में आके रवि राजबौद्ध ने गलती किया है, लेकिन उनकी भावनाओं को भी समझिए। आप किसी को भगवान मानते हैं तो अगर आपके भगवान कोई कहेगा तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ। बात समझ, लेकिन उनकी उनके बातों को डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही किया है। बात समझ, सिक्के के दो पहलू होते, मैं उस बात पर कह रहा हूँ। नहीं चलिए ठीक है, आपने आपने कह दिया कि नहीं ऐसा है और प्रमोद प्रेमी ने माफ़ी मांग लिया, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये भी अपने गानों को प्राइवेट करें और माफ़ी मांगें? मेरे हिसाब से देखिए, मैं किसी के पर्सनल विचारधाराओं पे कटाक्ष नहीं कर सकता ना और रोक लगा सकता हूँ। मेरे हिसाब से उनको भी ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हम आपस में लड़ें भिड़ें या आपस में झगड़ा करें वो चलता है, लेकिन पर्सनल किसी की बहन बेटियों पे कटाक्ष करना या किसी की फैमिली पे कटाक्ष करना ये बहुजन समाज के संस्कार नहीं है ना, शोभा देता है। हाँ, लेकिन अगर भावनाओं में बहकर हो गया है, चूँकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, जो रवि राजबौद्ध हैं उनको बहुत मानता हूँ और हमसे परिचित भी हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा मानना है कि उनको भी प्राइवेट कर देना चाहिए, क्योंकि हो गया, लड़के ने गलती किया, माफ़ी मांग लिया, प्राइवेट कर दिया, उसको डिलीट भी कर देना चाहिए। प्रमोद जी को इस गाने को डिलीट कर देना, प्राइवेट नहीं करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, तब माना जाता कि उनको पक्षताप है, उन्होंने गलती की है। प्राइवेट करना वो नहीं होता, उसको डिलीट करना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, नेहा सिंह राठौर ने समाज के उन मुद्दों को लेकर जो अभी बाबा का बुलडोजर चला है और उसमें दो माँ बेटी जल के एक उसमें राख हो गई, कानपुर देहात की घटना है, उस पर उन्होंने एक गाना बनाया यूपी में काबा, हालांकि बहुत पहले भी ये गाना वायरल हुआ था, तमाम राजनीतिक मुद्दे बने थे और उन मुद्दों से उस गाने से राजनीति में एक अलग भूचाल आ गया था, और इस समय भी उन्होंने गाना गाया है, लेकिन उनको जो है यूपी पुलिस के द्वारा नोटिस भेज दिया गया, किसी ने नहीं यूपी पुलिस ने उनको नोटिस भेजा, तो क्या इन ऐसे गानों को लेकर, जब ऐसे गाने आते हैं समाज में तो क्या पुलिस को उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्योंकि यूपी में काबा को बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं सुना है, ठीक है, सेकेंड सीजन सुन रहा है, उस पर बवाल चल रहा है, लेकिन चूँकि देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बातों को रखना कानून के अंदर, देखिए मैं कानून से बड़ा नहीं हूँ, संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं जब कानून और शिष्टाचार सिखाता हूँ तो मुझे खुद कानून और शिष्टाचार के अंदर रहकर काम करने की जरूरत है। आप देखिए उसी पर आ रहा था, तो नेहा सिंह राठौर ने जो अपनी बातें कही हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत, अगर कहीं कुछ गलत कानून को दिखता है तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैंने उस गाने को पूर्ण रूप से सुना नहीं है, रियलिटी है। उन्होंने यही गाया है कि बाबा का बुलडोजर जो है गुंडों माफियाओं पर चल रहा था, अब जो है गरीबों पर चल गया, दो जाने चली गए, उसमें दो पक्ष हैं, क्योंकि योगी जी बुलडोजर लेके नहीं जाते हैं कहीं, बात समझिए, हो सकता हो कहीं मिस्टेक हुआ हो, ये प्रशासनिक तौर पे गलतियां होती हैं, हम डायरेक्ट नहीं, आप कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब ये क्यों कहा जाता है कि जब किसी गुंडे माफिया पर जब बुलडोजर चल जाता है तो पेपरों में बड़े बड़े मीडिया में आता है कि बाबा का बुलडोजर उस माफियाओं पर चल गया। अच्छे काम होते हैं तो प्रशासनिक नेतृत्व को ही माना जाता है, अब बुरे काम होते हैं तो प्रशासनिक नेतृत्व को ही माना जाता है, वो अलग बात है। जैसे जो शासक होता है, जो राजा होता है, हम अच्छे कामों के लिए उसको इंडिकेट कर देते हैं, अब बुरे कामों के लिए प्रशासन को इंडिकेट कर देते हैं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। आज नहीं, ठीक है, लोक गायिका ने इंडिकेट कर दिया तो क्या गलत है? हम तो बोल रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहना चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस ने वहाँ पर नोटिस भेजा जी, यूपी पुलिस ने उनको नोटिस भेजा कि आप समाज में आपके गानों से वैमनस्यता फैली है और इससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो क्या इस गाने से तनाव की स्थिति नहीं पैदा हो सकती? तो वही बात तो कह रहा हूँ, अभी तो मैंने सुना नहीं गाने को पूर्ण रूप से, रियलिटी जो है यूपी में काबा सीजन टू मैंने पूर्ण रूप से नहीं सुना है, फर्स्ट सीजन सुना तो अच्छा लगा, समाज के मुद्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया और जो सही मुद्दे थे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उठाया,
और उठाना चाहिए, जैसे लोग गायकों को उठाना चाहिए, न्यूज चैनलों को उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा कह दिया है कि उनको नोटिस हो गया है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर नोटिस उनको हुआ तो ये गलत है, केवल द्वेष के रूप में नोटिस हो जाना ये गलत है। अगर नहीं तो हम भी आपका ओपिनियन बस चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी आप भी मानते हैं कि है इस देश में, तो आप अपने तरफ से क्या आपका रिएक्शन है उन सब चीजों पर, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। तो रहा हूं, अगर कोई गलत उसमें नहीं है, अगर नोटिस हुआ तो गलत है, क्योंकि पूर्ण रूप से मैंने उनको सुना नहीं है सेकेंड सीजन, तो अगर गलत है, अगर सही उन्होंने बोला है और नोटिस हुआ है तो न्यायालय उसका फैसला करेगी, हम तो कोई फैसला करने वाले हैं नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, तो न्यायालय के पास वो मुद्दे जाएंगे, वो भी न्यायालय के पास जाएंगी, न्यायालय उसका फैसला करेगी, अगर सही है तो न्यायालय उनको बरी कर देगी। चूंकि सीजन टू आप सुने होंगे, चूंकि आप पत्रकार हैं तो सुने ही होंगे, मैं सुना नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो किसी एक समाज का मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम ये क्यों भूल जाते हैं, अगर किसी जाति विशेष का अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर है तो उसको एक समाज से हम जोड़ देते हैं, ये नहीं है, उसको उन्हीं के समाज के लोगों ने वोट नहीं किया है, बहुत लोगों ने वोट किया है, बात समझ रहे हैं। अगर किसी ने वरिष्ठ लोगों के नाम को इंडिकेट करके अगर गाना गाया तो गलत है, गलत है, पूर्ण रूप से गलत है, उनको भी नोटिस होना चाहिए, कानूनी तौर पे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अभी आप सही कहें, लेकिन ये कहाँ सही है, ये तर्क के कसौटी पे नहीं आता कि किसी ने गलत किया तो मैं भी किसी की बहन बेटियों पर गाली, क्योंकि जिस ये कानून नहीं कहता है, जिस पे भी गाया गया है वो चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनको लेके गया है वो जो है एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी सरकार है बिहार में उनकी, और उन्हीं लोगों पे मिला के गाना गलत तो ही, मैंने तो बोला कि किसी समाज के प्रतिनिधित्व तो किसी नेता के ऊपर, किसी समाज सुधारक के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर आप अगर ऐसे गानों को गाते हैं तो ये गलत है, इस भोजपुरी से अश्लीलता को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि समाज भी उसको सपोर्ट करता है ना, आप समझिए। भोजपुरी के अश्लील गानों को देखेंगे शादी ब्याह में बहुत तेज़ी से बजाए जाते हैं, क्यों बजाए जाते हैं भाई? आप नहीं रोकेंगे, जब आप गंदगी खुद नहीं साफ करना चाहते हैं तो गंदगी साफ होगी कैसे? अब जब गायकों को बढ़ावा देंगे तो गायक गाएंगे ही, और जब गायक अभद्रगी गाएंगे तो उसमें अभद्रगी गाने में गलती होगी, इस पे तो कानून बनना चाहिए। चलिए लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में प्रमोद प्रेमी जैसे गायक जो हैं गायकों को कैसा मानते हैं? हम गलत मानते हैं, पूर्ण रूप से गलत मानते हैं, इसको खंडन करते हैं। और रवि राजबौद को? उनको भी गलत मानते हैं, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ रवि राजबौद जी के गानों को कि उन्होंने भावनाओं में आकर गलती कर दी, लेकिन प्रमोद जी प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने गाना गाया था। दोनों पक्षों को देखिए, समझिए, कानून भी भावनाओं को समझता है, आप पत्रकार हैं उस चीज को समझिए, प्री प्लानिंग से कोई किया हुआ या अनजाने में कोई चीजें हो जाना, बात समझ, दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अनजाने में हो गया तो कानून उसको माफ़ कर देगी, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी ने अगर किसी की बहन बेटियों पे कटाक्ष किया तो जरूरी नहीं कि हम करें कटाक्ष, ये गलत है, और मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, एक समाज सेवा होने के नाते, एक प्राइवेट शिक्षक होने के नाते मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ एक समाज सेवी है, युवा समाज सेवी, हमने इनके विचारों को जाना और इन्होंने कहा कि गलती हुई है दोनों तरफ से, हालांकि ये कह रहे हैं कि रविराज बौद्ध जो है अपने भावनाओं में बह के ऐसे गीतों को गा दिया, हालांकि उनको भी उनकी गीतें भी मैं जानता हूं, आज तक उन्होंने आज तक के इतिहास जितना भी गाने गाए हैं उन्होंने पहली बार उन्होंने ऐसा अश्लील गाना गाया, तो हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर कमेंट के माध्यम से रखिएगा।